प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंद इस पाक हजूर में। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सब चंगे भले हैं, सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में। हालेलुया। तो आई वचन में जाने से पहले और शाम की प्रार्थना में जाने से पहले मैं चाहती हूँ खुदावंद के आगे हम विनती करें, प्रार्थना करें, उसकी आत्मा की अगुवाई को मांगे, ताकि पिता हमारे जीवन में आके, उसका आत्मा हमारे जीवन में आके हमें छुए और अपने वचन के द्वारा हमें ताकत, हमें बल और सामर्थ्य दे, ताकि हम अपना जीवन आत्मा की बहुतायत के साथ जी सकें। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता का, सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावंद। आने वाली रात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं और पिता तेरे अनुग्रह और तेरी दया को मांगते हैं खुदा। जैसे आपने पूरा दिन रखा, वैसे ही खुदावंद आगे भी तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हो। पिताजी हम तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं खुदावंद, हम विनती करते हैं कि आज का वचन प्रभु तेरे प्रकाश को, तेरे उजाले को हमारे जीवन में भेजे खुदा। तेरा आत्मा हमें गाइड करे, तेरा आत्मा हमें समझाए कि हमें कैसे प्रभु तुझे खुश करना है और कैसे खुदावन तेरे मार्ग पर चलना है और कैसे खुदावन हमने तेरी सामर्थ को लेना है खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन कि आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ से भरने के लिए पिता, और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए पिता। धन्यवाद करते खुदावन तेरे इस पाक कलाम के लिए और तेरी पाक रूह के लिए। हम सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय में प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम वचन की ओर चलते हैं कि वचन हमें आज क्या कहता है। वचन निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसकी 9 बाब की हम 11 पढ़ेंगे। तो यहाँ हम मसीह के लहू की सामर्थ को जानेंगे कि लहू की सामर्थ क्या है। हालेलुया। परंतु जब वे मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महाजाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और नत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर के लिए और शुद्ध के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या कहता है कि लोग पुराने नियम में क्या करते थे, अपने पापों अपने गुनाहों से क्षमा पाने के लिए वो बैल बकरियों को बछड़ों का लहू प्रभु को चढ़ाते थे कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते। परमेश्वर कहता अगर वो लहू आपको शुद्ध करता है, बैल बकरियों का लहू बछड़ों का लहू आपको शुद्ध करता है, तो वो लहू आपको क्यों शुद्ध न करेगा जो मेरे बेटे ने आपके लिए बहा दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब बकरों और लोगों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, कि मसीह का लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू जो अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाता है, वो लहू जो निर्दोष है, जो बिल्कुल शुद्ध है, वो लहू जिसमें कोई पाप नहीं है, जो कोई किसी बात का कलंक नहीं है, वो लहू प्रभु ने परमेश्वर आत्मा के द्वारा निर्दोष चढ़ाया गया, तुम्हारे मरे हुए विवेकों को परमेश्वर कहता क्यों ना शुद्ध करेगा। वो जो बैल बकरों को आप चढ़ाते थे, किसी का लहू था वो आप चढ़ाते थे, पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह का लहू जो शुद्ध है, जो पाक है, जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं, वो लहू आपके मरे हुए विवेक को क्यों ना जीवित करेगा। अगर वो लहू आपको जिंदा करता है, पापों से फ्री करता है, वो पुराने नियम लहू, अगर जी आप ये लहू पर विश्वास करो जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो पाक है, शुद्ध है, तो वो आपके मरे हुए को, जो मरे हुए विवेक है,
वो उनको जिंदा क्यों ना करेगा। मेरे प्रिय भाई और वचन को ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का लहू जो पाक है वो शुद्ध है, वो आपकी हर कमी को दूर कर देगा, आपको अंदर से एक नया जीवन देगा। आप जिस गड्ढे में पड़े हो, मेरे परमेश्वर का लहू उस गड्ढे से आपको निकालेगा, एक नया बल देगा, एक नई ताकत देगा। जो मरा हुआ जीवन है आपका, चाहे वो आपका शरीर हो सकता है बीमारी की तरह खाया हुआ शरीर है, दवाइयां खा कर थक चुके हैं, वो शरीर मरा हुआ हो चुका है, चाहे वो आपने पाप कितने कर लिए और आप दुखी हो, अब मैं क्या करूं, अब मैं निकलना चाहता हूं उस जीवन से, और वो मरा हुआ वो विवेक आपका, आपको उस मरे हुए विवेक से बाहर निकालेगा। हो सकता है आपका बिजनेस मरा हुआ हो सकता है आपके फाइनेंशियली आप वीक चल रहे हो, आपके ऊपर कर्ज है, ये मरा हुआ है, परमेश्वर अपने लहू की सामर्थ के द्वारा आपके मरे हुए कामों को जिंदा कर देगा, आपके हाथों पे कामों को बरकत दे देगा। आगे मेरे साथ प्रार्थना में हो जाए, आज रात की प्रार्थना में आप सेम नहीं रहने वाले हो। आज जैसे पिता परमेश्वर जी उठा था मुर्दों में से, आज आपके जीवन में भी वो मुर्दे जो बिजनेस है वो जी उठेंगे यीशु के नाम से, जो बीमारियां वो चली जाएंगी, आपका शरीर जो मुर्दा है वो जी उठेंगे यीशु के नाम से। मेरे साथ एक मन एक प्रार्थना एक मन एक चित प्रार्थना में बोलो। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मैं तारीफ 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 करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ, धन्यवाद 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 प्रभु, तारीफ करती हूँ उस वचन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया खुदावन, कि जो बैल बकरों का लहू था जो लोग समझते थे उस लहू बहाने के बाद हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, तो जो लहू प्रभु यीशु मसीह का जो निर्दोष था वो हमारे लिए बहाया गया, वो हमें क्यों ना पापों से आजाद करेगा, वो हमें क्यों ना बीमारी से रिहा करेगा, वो हमें क्यों ना सिद्ध करेगा, हमारे जो मन मरे हुए उन्हें क्यों ना वो जिंदा करेगा। जितने लोग विश्वास करते प्रभु की लहू की सामर्थ पर, आज मेरा पिता आप लोगों को छुएगा, आज आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा, आपकी बीमारियों से, आपके दुखों से, आपकी तकलीफों से, आपकी परेशानियों से, और रिहा हो जाओ, छूट जाओ यीशु के सामर्थ के नाम में, यीशु की सामर्थ आपके ऊपर आए, यीशु के लहू की सामर्थ, जो पिता परमेश्वर का लहू तुम्हारे लिए बहाया गया उसकी सामर्थ आपके ऊपर आए, उसकी सामर्थ आपके ऊपर आए, आप छूट जाएं, आप छूट जाएं, आप आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं, बीमारी से, कष्टों से, रोगों से फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करो, ये सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है, ये आपको बेड में उठाने की ताकत रखता है, आपके मुर्दों शरीर को जिंदा करने की ताकत रखता है, ये आपके मुर्दों बिजनेस को जिंदा करने में ताकत रखता है, ये आपके पति पत्नी के रिश्ते को जिंदा करने की ताकत रखता है, ये आपके पति को मन को बदलने की ताकत रखता है। इस लहू पर विश्वास करिए, इस लहू में ही छुटकारा है, इस लहू में ही छुटकारा है, इस लहू में ही बरकत है, इस लहू में ही शिफा है, विश्वास करिए इस लहू के ऊपर, और ले लो अपनी गवाहियों को यीशु के नाम से, ले लो अपनी गवाहियों को यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, इनको छूने के लिए, आजाद के लिए, फ्री करने का, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस खुदावन, थैंक यू जीसस खुदावन। पिता परमेश्वर, सब भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सब भाई बहनों को तेरे लहू में कवर करती हूँ, विश्वास कि आज से सेम नहीं है, ये बदल चुके यीशु तेरे नाम में, ये बदल चुके यीशु तेरे नाम में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के, मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, आप सभी इसी तरह बने रहे इस चैनल पर, और आगे आगे शेयर करिए वीडियो को, निरंतर वीडियो को देखिए, ताकि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बात करे, आपको छुड़ा सके। सबको जय मसीह।